वन विभाग के तमाम दावों के बावजूद मध्य प्रदेश में जानवरों के शिकार का सिलसिला थम नहीं रहा। अब कान्हा नेशनल पार्क में शिकारियों ने एक बाघ का शिकार कर लिया। शिकारियों ने फंदा लगाकर बाघ को मारा, लेकिन वन विभाग अमला सोता रहा। मध्य प्रदेश का वन अमला कैसे काम करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद जंगल में जानवरों का शिकार किया जा रहा है। ताजा मामला कान्हा नेशनल पार्क के बमहनी खापा रेंज का है, जहां 1 से 2 साल का एक बाघ मृत मिला है। शिकारियों ने इस बाघ की जान ली है। शिकारियों ने कान्हा नेशनल पार्क में बमहनी खापा रेंज में बाघ को फंसाने के लिए फंदा लगाया था, लेकिन इसकी भनक वन अमले को नहीं लग पाई। शिकारियों के फंदे में फंसकर बाघ की मौत हो गई। चिकित्सकों द्वारा बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया गया और उसका शिकार किए जाने की पुष्टि की गई। पार्क प्रबंधन अब शिकारियों की तलाश कर रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।